করিলে তোরি মোরি করিলার ওরি গোরি নন্দ করি মোরি করিলার अपनी सखी से कहती है, अरे सखी वो नंद का दुठोना है ना। हाँ हाँ सुना है मैंने, है कोई खुराफाती लंगर नटकट, सारी डिग्रियां उसके पास हैं, जितनी खराब खराब डिग्री होती हैं। तो क्या हुआ, उसने मेरी गले की लर तोड़ ली और लेके भाग गया। अरे खाली तोड़ देता तो मैं फिर से बना लेती, और डकैती चोरी नहीं, अभी तक तो वो चोरी करता था, अब और आगे बढ़ गया एक कदम। अरे कहां ऐसा हुआ, कब हुआ, पूरी बात तो बता। वो गोपी तो गोलोक की थी, इसलिए ठाकुर जी से खूब परिचित थी, लेकिन श्याम सुंदर की डिटेल में चर्चा सुनने को मिले इस बहाने बड़ी व्याकुलता से पूछ रही, अरे कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, पूरी बात पता। तो कहती है, अरे सखी कल मैं यमुना के किनारे गई थी, रोज जाती है नहाने पानी भरने अपने काम से, और मैं अकेली नहीं थी, तमाम सखियां सैकड़ों का झुंड था मेरे साथ, क्योंकि जितनी सखियां समझदार हैं वे अकेली चलती ही नहीं, उनको मालूम है कि अकेले में ज्यादा उधम करेगा, पार्टी रहेगी तो डरेगा, कोई पैर पकड़े, कोई हाथ पकड़े, कोई कमर पकड़े, तो एक आदमी क्या करेगा, और अकेले में तो पुरुष बलवान होते ही है, कैसे हट्टी कट्टी स्त्री हो, जरा सीना तान के आंख दिखा दे पुरुष तो फिर स्त्री की हालत खराब हो जाती है। आप लोगों की नहीं, मतलब जो हाँ तो मोरी तोरी लर मोरी तोरी लर ओरी गोरी नंद कोरी मोरी तोरी लर मोरी तोरी लर मोरी तोरी लर ओरी गोरी नंद कोरी मोरी।
तोरी तोरी लर काली गई रही ओ कालिंदी तट काली गई रही संग रही आली संग रही आली अलीन मोरी मोरी तोरी लर संग रही आली अली मोरी मोरी तोरी लर हाँ मोरी तोरी लर हाँ तोरी तोरी लर तोरी लर बोरी बोरी नंद कोरी मोरी तोरी लर अरे संग रही आली संग रही आली अलिल मोरी मोरी तोरी लर संग रही आली ओ संग रही आली अलिल मोरी मोरी तोरी लर हा मोरी तोरी लर ओरी गोरी नंद कोरी मोरी तोरी लर तो सखी हजारों गोपियां तेरे साथ थीं तो तेरी ही लर कैसे तोड़ दी उसने इसका मतलब कुछ और होना चाहिए औरों की लर तो नहीं तोड़ी तेरी ही क्यों तोड़ी कैसे तोड़ी सखी मैं तो बीच में थी और सब सखियां चारों ओर थीं और फिर भी तेरी ही लर तोड़ी गई हाँ सखी ये बात तो कुछ जमती नहीं तूने कोई चंचलता की होगी उसके पास गई होगी हजारों के झुंड से निकल करके ऐसा कैसे है कि इतनी सखियों के बीच में तू थी और तेरी लर तोड़ ली गई सखी कहती है पूरी बात सुन ऐसा हुआ कि हम सब इकट्ठे एक जगह पर थे इतने में कहीं से वो आ गए अब आकर मेरी ओर उसने निगाह किया औरों की ओर नहीं किया मेरी ओर और निगाह करके यानी मेरी ओर इशारा कर रहा है वो क्या तुम लोगों ने किसी ने मेरी लर तो नहीं चुराई अब अगर सबसे पूछना है तो ऐसे आंख करना चाहिए
और वो एक ही की तरफ देख रहा है, तुमने मेरी लल तो नहीं चुराई। तो जिसकी तरफ घूर के कोई देखेगा और चोरी लगाएगा तो उसको फील तो होगा ही कि मेरी ओर देख के क्यों कह रहा है। अरे सब की ओर देखना चाहिए। आप लोगों में से किसी को यहां एक टॉप खो गया है, मिला है क्या, ऐसे अनाउंस करना चाहिए। और अगर एक ही की ओर देख के बोलेगा तुमको टॉप तो नहीं मिला है, तो उसको फीलिंग होगी कि हमको चोर समझता है। तो मेरी ओर खास तौर से देख करके, और उसने ऐसा अनाउंस किया कि मेरी लल किसी ने चुरा ली है। वो किसने चुराई है भाई, किसी को आप लोगों में मिली है क्या? बड़ी शराफत से ठाकुर जी ने पूछा। ऐसा नहीं कहा कि तू नहीं लिए, लेकिन देखा एक की तरफ, यानी मेरी तरफ देखा। तो सखी, मुझे बुरा तो लगा बहुत कि सब सखियां देख रही हैं कि ये इसी की तरफ देखकर ये बोल रहे हैं, इसका मतलब यही चोर है। हाँ मोरी तोरी लर, हाँ मोरी तोरी लर, ओरी गोरी नंद कोरी, मोरी तोरी लर। आई कहो लखी मोतन ओरी, आई कहो लखी मोतन ओरी, कोरी कोरी मोरी लर चोरी, मोरी तोरी लर। अरे कोरी मोरी लर चोरी, मोरी तोरी लर। कोरी मोरी तोरी लर, हा मोरी तोरी लर, तोरी लर तोरी लर, ओरी गोरी नंद कोरी मोरी तोरी लर। तो सखी, जब उसने मेरी ओर ही खास तौर से घूर करके और पूछा तो मुझे बहुत बुरा लगा, और मैं बीच में खड़ी थी तो गुस्से में मैं उसके पास चली गई, गुस्से में, और अपनी लर हाथ में लेकर कहा, देख देख आंख से चश्मा लगा ले, ये तेरी लर तो नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आया कि इतनी गोपियों के बीच में केवल मेरी ओर देख कर ही क्यों अनाउंस किया इसने। तो मैंने दिखाने के लिए कि सबके सामने पक्का प्रमाण हो जाए कि मेरे पास एक ही लर है,
और तो कोई न मेरे पास चाटैची है, न बक्सा है, न आजकल की तरह पर्स है, ये सब तो है नहीं। तो एक लर पहने हूं, देख ले अगर तेरी हो तो। तो ठाकुर जी दूसरे की लर को अपनी लर तो कह नहीं सकते, वरना तो गोपियां उनकी पता नहीं क्या मरम्मत करें। तो ठाकुर जी ने कहा, तो बड़ी चालाक निकली, ये तो अपनी लर दिखा रही है और मुझे ये कहने को बाध्य कर रही है, सारी सारी ये मेरी लर नहीं है। मैंने ये थोड़ी कहा कि तुम इन्हें चुराया है, मैंने तो सबसे पूछा, भाई मेरी लर चोरी गई है मूर्तियों की, वो किसने ली है, और आप लोगों ने नहीं ली तो और किसी ने ली होगी। तो सखी मैं भोली भाली सीधे उसके पास गई और अपनी लर को दिखाया कि ये तो तेरी नहीं है कहीं। मोरी तोरी लर मोरी तोरी लर ओरी गोरी नंद ओरी मोरी तोरी लर अरे हाँ भोरी पहिरी लर कोरी अरे हाँ भोरी पहिरी लर कोरी कहा यह लर तो नहीं तोरी मोरी तोरी लर तोरी मोरी तोरी लर हा मोरी तोरी लर हा मोरी तोरी लर मोरी मोरी तोरी लर ओरी गोरी नंद कोरी मोरी तोरी लर ओरी गोरी नंग कोरी मोरी तोरी लर हा मोरी तोरी लर ओरी गोरी नंग कोरी मोरी तोरी लर सखी फिर क्या हुआ आगे सखी? फिर उसने मेरी लर को अपने हाथ में लिया। अब जैसे गले में कोई पहने है और देखने के बहाने देखूं देखूं ये मेरी है कि नहीं है, मैं देखूं तो हाथ में लर को लिया और बिल्कुल उस गोपी के गाल के पास अपना मुंह कर दिया, क्योंकि इतनी लंबी तो लर थी नहीं कि दूर खड़े होकर देखे, गले में पहनी हुई थी, उसने उतारा नहीं था, उसने यूं दिखाया। तो देखने के लिए पास जाना पड़ेगा ना, मोती को पहचानना है, एक से मोती होते हैं, और कहीं गलत जजमेंट हो जाए और पकड़ जाए तो ठाकुर जी तो ऐसे कोई नहीं है, बंधु भट्ट बाहर से होंगे, भीतर से तो सर्वज्ञ ही है। तो ठाकुर जी ने देखने के बहाने और
हाथ में लिए मोतियों की लर और देख रहे गोपी की आंख। क्या चालाकी है, अरे लर देखो ना, पहचानो तुम्हारी है कि नहीं है। लोगों को ये बता रहे हैं कि मैं लर देख रहा हूं। लर को थोड़ा ऊपर कर लिया, यहां से यहां आ गई सामने, तो अब आंख जो है आंख के सामने आ गई, तो आंख में प्यार भर करके और कटाक्ष मार दिया, यानी प्रेम दान कर दिया गोपी को। जो अनादिकाल से प्यासी थी प्रेम की, वही देना था ठाकुर जी को, बाकी तो सब बहाना है। अब ऐसे कहते वो जो बीच में खड़ी है, इधर आ, मैं तुझको प्रेम दान करूंगा। ये तो भोंडापन है, ये कोई तरीका थोड़ा ही है रसिकों का। हाँ, रसिकता के ढंग से प्रेम दान किया जाता है, इसलिए इतनी बड़ी भूमिका बनाई ठाकुर जी ने, और आंख से प्रेम भर करके गोपी के आंख में डाल दिया। अब जब सूखे घास के ढेर में चिंगारी पड़ेगी तो फिर क्या होगा आप लोग जानते ही हैं, उसका विराट रूप बनेगा। फिर ठाकुर जी ने अपना काम कर दिया, तो लर तो नहीं तोड़ा उन्होंने, उन्होंने तो प्रेम दान किया। तू तो कहती है लर तोड़ी, अरे सुन तो पूरी बात। मोरी तोरी लर खा, मोरी तोरी लर होरी गोरी नंग कोरी, मोरी तोरी लर लर कर पकरी, लर कर पकरी लंगर देखन मिस, ओ लर कर पकर लंगर देखन मिस। ओ मारो नैन, मारो नैन सैन कोरी, मोरी तोरी लर, मारो नैन सैन कोरी, मोरी तोरी लर। प्रेम का बीज डाल दिया श्याम सुंदर ने, तो प्रेम जब अंदर जाता है अंतःकरण में, चाहे आंख से जाए चाहे कान से जाए, कई तरीके हैं जाने के। जैसे मुरली नाद सुना कान से गया, देखा आंख से गया, श्याम सुंदर के दिव्य सुगंध का अनुभव नाक से हुआ तो नाक से गया, अनेक प्रकार से भीतर जाता है। लेकिन जब जाता है तो मत्तो भवती,
नशा हो जाता है, नशा। अरे संसारी ये गोबर गणेश प्रेम में हल्का फुल्का नशा हो जाता है, वो तो अलौकिक दिव्य प्रेम है, वहां के नशे की बात क्या कही जाए। पता नहीं कैसे वो लोग सहन कर लेते हैं इतने बड़े नशे को। हाँ, यहाँ तो संसार में लोग आधे बोतल में ही डाउन हो जाते हैं। तो मैं मतवाली सी हो गई, कुछ नशा हो गया मुझको, बहुत संभालने की चेष्टा की फिर भी, लेकिन एकदम बेहोश नहीं हुई, गिरी नहीं, आंख मेरी बंद सी हो गई। दोबारा देखने की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो जिस आंख को, रस भरी आंख को, कटाक्ष युक्त आंख को देखा था, उसको एक बार और देख लूं, ये इच्छा होते हुए भी कंट्रोल किया कि अगर दोबारा देख लिया तो कहीं धराशायी न हो जाऊं पृथ्वी के ऊपर और फिर सबको आउट हो जाएगा। तो सखी, मैं तो नशे में हो गई, और उसने क्या किया, आंख से आंख में प्रेमदान करके और अपना मुंह मेरे कान के पास ले आया। यानी जैसे एक आदमी एक कंठी पहने है, ये माला पहने है मोतियों की, तो उसको ये मेरी है कि नहीं है, है कि नहीं है, है कि नहीं है, यहाँ तक ले आए मुंह को, यहाँ से देखना शुरू किया और आंख से आंख प्रेमदान कर दिया। अब उसके बाद इधर चले और देखते देखते मेरी है कि नहीं, कान के पास पहुंचे और कान में कुछ कहा। क्या कहा? बहुत धीरे से कहा, पास में खड़ी गोपी ने नहीं सुना। क्या कहा? आप लोग सुन लेंगे इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं। हाँ, कान में कहा था ना, बिल्कुल प्राइवेट। अरे ये कहा था कि अरे सखी, ये तू जो पहने है ना लर, ये तो जड़ वस्तु है। जड़ वस्तु है तो ठीक है, संसार जानता है मोती जड़ वस्तु है। अरे नहीं, मैं लर बनना चाहता हूं तेरे गले की लर। गले की लर बनेगा तू? गले की लर कैसे बनेगा, तू तो आदमी है। हाँ हाँ, मेरा दोनों हाथ तेरे पीछे गले के जाएगा और मैं तेरा आलिंगन करूंगा, तो इसे बन गई ना माला है। ऐसे ऐसे माला बन गई। लर माला कैसे होती है? यो गोली होती है, यो आती है। तो जब मेरा दोनों हाथ तेरे कंधे पर जाएगा यहाँ पीछे की साइड में, तो ये गोला बन गया, ये लर बन गई। तो क्या ये रद्दी लर पहने है तू? मुझको लर बना ले। तूने बहुत तप किया है पूर्व जन्म में मुझको लर बनाने के लिए, मैं याद दिला रहा हूं, नहीं फिर पछताएगी। अगर अकड़ दिखाया तो मैं भी अकड़ जाऊंगा, फिर रह जाएगी। सोच ले, आज मैंने तय कर लिया है, कृपा करूंगा तेरे ऊपर। इसलिए कान में कह रहा हूं, आंख से तो मैंने कहा, तू समझी नहीं बुद्धू, अब मुझे कान में साफ साफ कहना पड़ा। हाँ, वरना तो मैंने आंख से ही कह दिया था, अगर कोई चंठ चालाक होती तो समझ जाती। खैर कोई बात नहीं, अब मैं कान में कह रहा हूं, मुझे लर बना ले। यानी समस्त माइक वस्तुओं से मन को डाइवर्ट करके केवल मुझ में लगा दे, भी न रहे ही हो जाए। मोरी तोरी लर, हा मोरी तोरी लर, ओरी गोरी नंद कोरी, मोरी तोरी लर। पुनी कहा कान, पुनी कहा कान, मोहि गर लर करू।
अरे मोही गर लार कर ओ मोही गर लार कर अरे पुनी कहा कार मोही गर लार कर चाह लर बनी गर लागोरी मोरी तोरी लर बोलो चाह गर बनी चाह लर बनी गर लागोरी चाहलार बनी चाहलार बनी गर लागोरी मोरी तोरी लर हाँ मोरी तोरी लर हाँ मोरी मोरी लर तोरी मोरी तोरी मोरी तोरी लर ओरी गोरी नंग बोली मोरी तोरी लड़ा मोरी तोरी लर ओरी गोरी नंद गोरी मोरी तोरी लड़ा। हाँ सखी तो मैं नशे में तो हो ही गई थी पहले, अब ये जो कान में उसने कहा तो इस वाक्य ने तो मुझे और पागल बना दिया। श्याम सुंदर के शब्द में भी वही रस है जो उनके रूप में है, वही उनके गंध में है। उनके जो पांचों सब्जेक्ट जो हम श्याम सुंदर का प्राप्त करेंगे तो पांचों में एक सा सौरस्य है, और जितनी बार उसका पान करेंगे उतनी बार और सौरस्य में वृद्धि होगी। तो पहले देखा वो रस मिला, अब सुना अब रस डबल हो गया, लेकिन फिर भी मैं बेहोश नहीं हुई, एकदम 100% होश में थी। और मैंने भी एक जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया? बेशरम, बस बेहया, निर्लज्ज। पराई लड़की से कोई ऐसे बात करता है डायरेक्ट? अरे धीरे धीरे प्यार होता है, पहले बहाने बहाने से, फिर चिट्ठी पत्री, फिर धीरे धीरे बात पड़ती है। और एकदम से आके कान में कह दिया कि हम तुम्हारी घर की लड़ बनना चाहते हैं। गोलोक में ऐसा होता होगा, हमारे संसार में पिटाई हो जाए ऐसा कोई करेगा? हाँ हमारे संसार में आए हो, ढंग से रहो जरा, अगर रहना है तो, नहीं तो हमारे यहाँ आगरा में एक पागल खाना है, वही बंद कर दिए जाओगे। मोरी थोरी लर हाँ मोरी थोरी लर ओरी गोरी नंद कोरी मोरी तोरी लर ओ भाई विभोर भाई विभोर यद्यपि यह सुनी पाए ओ भाई विभोर यद्यपि यह सुनी पाए ओ कही
कही लाज अचई घोरी मोरी तोरी लर ओ कही लाज अचई घोरी मोरी तोरी लर तोरी मोरी तोरी लड़ अगर कोई जीव सरेंडर करने में कुछ कसर रखता है तो उसको ठाकुर जी पूरा कर देते हैं। थोड़ी कसर रख रही है अभी, ये अभी एकदम बेसुध नहीं हुई, इसलिए कह रही है शर्म को घोर के पी गए तू। तो ठाकुर जी ने कहा आप जब बेहया कही दिया तो बेहयाई में भी टॉप करना चाहिए, छोटी मोटी बेहयाई से क्या फायदा। अरे जब बदनाम ही होना है तो ढंग से हो जाओ। तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है मैं बेहया हूं। तो तू ये जो गले में तेरे माया का बंधन है तू इसको छोड़ना नहीं चाहती, ब्रह्म का बंधन नहीं लेना चाहती, ठीक है ले मैं तोड़ देता हूं इसको। ये तेरी माया का बंधन जो इशारा कर रहे हैं ठाकुर जी कि जो तेरी ममता इस लर से है, तो मैं इशारा कर रहा हूं कि मुझको लर बना ले, माया को लर न बना, लेकिन तू मुझे बेहया कह रही है तो ले मैं ही तोड़ देता हूं। अब जब कृपाई करना है तो पूरा पूरा करो, छुट्टी करो, आगे चलो, बहुत से मुकदमे हैं और एक ही मुकदमे के पीछे कब तक रहना होगा। हाँ तो मोरी तोरी लर, हाँ तो जब ठाकुर जी ने लर तोड़ डाला तो तोड़ने के बाद अब सखियों का अटैक हो जाएगा, हर सखियों का झुंड है वो घेर लेंगी, अब खड़े रहना खतरे से खाली है, इसलिए भागे। लेकिन भागते भागते भी एक शब्द बोल ही गए, क्या, अरे मैं बेहया हूं ये तो ठीक है लेकिन जोड़ी अच्छी है। अब तू नहीं मानती मत मान, मैंने वेद में पहले ही कह दिया है द्वासुपर्णा सौजा सखाया समानम वृक्षम परिकस्व जाते, ये जीव और ब्रह्म की जोड़ी है और सदा साथ रहती है, आपके अंतःकरण में भी ये दोनों हैं और बाहर भी जितने जीव हैं सर्वत्र एक एक रूप से श्याम सुंदर परमात्मा रूप से निवास करते हैं निरंतर। अनादि जोड़ी है, सनातन जोड़ी है, हाँ जोड़ी अच्छी है। अब नहीं मानता तू तो मत मान, अलग बात है, लेकिन जोड़ी बढ़िया है, दोनों अनादिकाल से साथ रहे हैं और सदा साथ रहेंगे। अब जोड़ी में एक पक्ष अनुकूल है एक उदासीन है, ये बात अलग है, उसी को मिटाने के लिए ये लर तोड़ा और तोड़कर भागे और ये कहते हुए कि जोड़ी अच्छी है, यानी अब तुम भागो मेरे पीछे, मैंने अपना काम कर दिया, मैंने प्रेम दान कर दिया, तुम्हारी ये माया का सामान लेके मैं जा रहा हूं,
और अब तुम मेरे पीछे पीछे हा प्रियतम हा प्राणेश्वर कह के बुलाओगी पुकारोगी, फिर मैं कहूंगा बेहया तुझको शर्म नहीं आती पराए पुरुष को ऐसे प्राणेश्वर कहती है, मेरा तेरा ब्याह हुआ है क्या? हाँ दांव लूंगा मैं। अरे सांप 12 साल में बाद दांव लेता है, मैं तो आदमी हूं। मोरी तोरी लर मोरी तोरी लर ओरी गोरी नंद कोरी मोरी तोरी लर। यह कृपालु सुनी झट लर तोरी, अरे झट लर तोरी, अरे यह कृपालु सुनी झट लर तोरी। ओ चट भाजो चट भाजो कही भल जोरी मोरी तोरी लर। चट भाजो कही भल जोरी मोरी तोरी लर। हाँ मोरी तोरी लर, हाँ मोरी तोरी लर, तोरी लर तोरी मोरी तोरी लर ओरी गोरी नंद ओरी मोरी तोरी लर। मोरी तोरी लर ओरी गोरी नंद कोरी मोरी तोरी लर। मोरी तोरी लर ओरी गोरी नंद कोरी मोरी तोरी। कारण करुणा कर नंद कुमार की।